नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खंडेकर MNS न्यूज लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कुछ खास। तिरुवनंतपुरम सबरीमाला भगवान अयप्पा का मंदिर आज एक दिन के लिए खुला। केरल में कांग्रेस ने किया न्यायालय के निर्णय का विरोध। खेत में यंत्र जैसी कोई चीज गिरने से गांव वालों में डर का माहौल। पटना में मौत से बवाल, पुलिस फायरिंग में एक की मौत। अब खबरें विस्तार से। तिरुवनंतपुरम सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर आज 5 नवंबर को एक दिन के पूजा के लिए खुला। मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए तैयारी भी की। पंबा एवं अन्य इलाकों में किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रविवार रात से ही निषेध आज्ञा लागू की गई। यह निषेध आज्ञा मंगलवार तक जारी रहेगी। केरल में कांग्रेस ने न्यायालय के निर्णय का विरोध किया है। विशेष प्रार्थना के लिए न्यायालय के आदेश अनुसार सबरीमाला मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस वक्त महिलाओं के मंदिर प्रवेश के विरोध में सभी उम्र की महिलाओं ने प्रखर विरोध किया। केंद्र और राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस नेते पीजे कुरियन एवं रमेश चेन्नीथला इन्होंने किया। सरकार ने सभी राजकीय पक्षों को निमंत्रित करके ये मुद्दा सुलझाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसमान से गिरे यंत्र की वजह से गांव वालों में डर का माहौल। उमरेड़ जिले के खापरी गांव में अचानक आसमान से एक यंत्र खेत में गिरा। अचानक आसमान से यंत्र जैसी कोई चीज खेत में गिरने की जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। यह यंत्र हवामान विभाग का होगा, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में मौत से बवाल, पुलिस फायरिंग में एक की मौत। पटना में बेउर में देर रात पुलिस और आम लोगों में झड़प हुई। पुलिस कुछ स्थानीय युवकों पर जुआ खेलने के आरोप में छापेमारी करने पहुंची। इस वक्त स्थानीय लोग पुलिस से भिड़ गए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रामीणों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। इस वक्त पुलिस फायरिंग में एक की मौत हो गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेल और सड़क जाम कर दिए। खबरों में बस आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।